प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को शहडोल के दौरे पर आने वाले हैं, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री का निराला अंदाज देखने को मिला, जब उन्होंने सड़क किनारे जामुन बेचने वाली महिला से हालचाल जाना और मजदूरों से भी मुलाकात की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सीएम शिवराज का शहडोल दौरा, महिला से सीएम ने खरीदे जामुन, मजदूरों से भी सीएम ने की चर्चा, लाडी बहना के बारे में सीएम ने ली जानकारी। दरअसल जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शहडोल के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर सीएम ने सड़क किनारे जामुन की दुकान लगाकर बैठी महिला का हालचाल जाना। इस मौके पर उन्होंने जामुन का स्वाद भी चखा, जिसे देखकर महिला का चेहरा खिल गया। अरे तुमने चाय क्यों फेंक दी? कैसे हो? ठीक है मामा जी। ठीक है, अपन जामुन खरीदते हैं। जामुन क्या घर पे है? इसी तरह पखरिया गांव में उस समय मजदूरों के चेहरे पर खुशी और आनंद का ठिकाना न रहा, जब मजदूरों ने सीएम शिवराज सिंह को अपने बीच पाया, जहां पर उन्होंने मजदूरों से चर्चा की और हाल चाल जानने के बाद लाडली बहना योजना के बारे में जानकारी भी ली। अरे सरकार, मेरा नाम शिवराज। ठीक है, मैंने भेजा है। ठीक है भैया, मिस्त्री लोग काम मिल जाता है, चल जाता है काम। ये लाडली बहना का पैसा मैंने भेजा था, मिल गया सबको? मिल गया सबको, मिल गया। सियाने से इनको नहीं मिलता है, कैसे 8 साल तो उसमें पेंशन वाला अलग से कर है ना। आपकी कितनी उम्र हो गई? 65। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यही अंदाज लोगों को भाता रहा है, वहीं अब शहडोल में भी कुछ इसी तरह देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, शहडोल।